डाइन प्रताड़ना के मामले में 6 आरोपियों को भेजा गया जेल। सरैयाहाट थाना क्षेत्र के असवारी गांव से डाइन प्रताड़ना को लेकर मारपीट कर पीड़ित को मल मूत्र पिलाने का घटना प्रकाश में आया है। घटना को लेकर पुलिस निरीक्षक नवल किशोर सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि घटना रविवार की है। घटना की सूचना मिलते ही सरैयाहाट थाना प्रभारी विनय कुमार पुलिस बल के साथ असवारी गांव पहुंचे और घटना की जानकारी ली, जिसके बाद घटना में पीड़ित 3 महिला और 1 पुरुष को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट भेजा, जहां से बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया गया, जिसमें पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर सरैयाहाट थाना कांड संख्या 71/22 दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई कर असवारी गाँव से सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिनांक 24/9 को मारपीट होने की सूचना मिली थी रात में। कल दिन में भी मारपीट होने की बात का सूचना जैसे ही थाना को मिला, थाना से पुलिस पार्टी गई और वहां पर 3 महिला और 1 जेंट्स के साथ मारपीट की घटना की गई है, जिसका इलाज सरैयाहाट हॉस्पिटल में कल कराया गया, जिसमें से 2 को रिफर कर दिया गया है। वहाँ की महिला कोलो टुडू, पति का नाम है श्रीलाल मुर्मू, उसके लिखित आवेदन के आधार पर सरैयाहाट थाना कांड संख्या 71/22 दर्ज किया गया है। कांड अनुसंधान के क्रम में सभी 6 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीछे की घटना के पीछे की वजह जो अभियुक्तगण है उन लोगों का आरोप है कि इन लोगों के चलते हमारे घर का बच्चा बीमार है, इस तरह का अनर्गल आरोप लगाया गया था और उसी के चलते यह मारपीट की घटना अभी नॉर्मल है। सबों को जो भी 6 अभियुक्त हैं गिरफ्तार कर लिया गया है और गांव का स्थिति नॉर्मल है। फिर भी थाना से गश्ती पार्टी बराबर निगरानी रखे हुए हैं और बराबर वहां पर विजिट कर रहे हैं जी। अब बाकी जो एडमिट हैं उन लोगों की क्या स्थिति है? उन लोगों को बेहतर इलाज हेतु देवघर भेजा गया है सरैयाहाट से और उन लोगों का इलाज देवघर में चल रहा है जी। मेला पिलाने की का आरोप और रड से गरम रड से दागने का आरोप लगाया गया है। प्रथम दृष्टया यह घटना तो सही पाया गया है, फिर भी इसमें और अनुसंधान की जा रही है, अनुसंधान के क्रम में और बातें आपको पता चल। धाराएं क्या क्या लगी है सर? जिस हर समुचित जो है इसमें एक तो डाइन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम है 3 और उसके साथ साथ मारपीट की धाराएं दर्ज लगाई। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।